तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास को यदि नियंत्रित करने का प्रयत्न करे तो उसका मन भी नियंत्रित होने लगेगा, या अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करे तो श्वास प्रश्वास नियंत्रित होने लगेगा। आप लोग ये प्रयोग करके देख सकते हैं। हम में से कौन ऐसा है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं है? सबको क्रोध होता है। अब दूसरी बार क्रोध आए तो थोड़ा ध्यान दें, क्रोध में श्वास प्रश्वास की गति विकृत हो जाती है। वो कैसे होती है अभी नहीं पता लगेगा, क्रोध के क्षण में आप अगर आप अपने को देख सकेंगे। इसी प्रकार के विभिन्न विचारों में, आवेग में, कामादि के आवेग में श्वास प्रश्वास बहुत विकृत हो जाता है, कहीं तीव्र कहीं मंद। तो जब जब हमारा मन खराब होता है श्वास प्रश्वास विकृत होता है। उस समय यदि हम प्रयत्न पूर्वक विवेक से और इच्छा शक्ति से धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को नियमित करने का प्रयत्न कर सकें तो मन शांत हो जाएगा। कठिन काम है, किंतु जो अभ्यास करेगा वो इसका फल देख सकेगा। इसके लिए प्रारंभ श्वास प्रश्वास की गति को देखकर करना पड़ता है। जब आप में से जो लोग शांति से बैठने के आदि होंगे, कभी भी 10-5 मिनट आधे घंटे तथाकथित हम लोग जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, या चुपचाप रिलैक्स्ड होकर जब हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, उस समय आप देखेंगे कि श्वास प्रश्वास की गति धीरे हो जाती है, सम हो जाती है, जल्दी नहीं रहती। श्वास का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। श्वास अवरुद्ध हुआ कि विचार अवरुद्ध हो जाएगा, वो क्षण भर के लिए हो पर हो जाता है। आप श्वास को रोक कर देखें और इसका अनुभव कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार श्वास रोकना कुछ लाभकारी नहीं है अनुभव के लिए। तो श्वास प्रश्वास पर जब हम दृष्टि रखते हैं तो हम धीरे धीरे उसको नियमित करने लगते हैं। सब समय दृष्टि रखने का प्रयत्न ठीक है, ना हो तो जब कम से कम कहीं एकांत में बैठें, ध्यान करने के लिए बैठें, भगवान का नाम करने के लिए बैठें, तो 2-4-5 मिनट चुपचाप बैठकर, सीधे बैठकर सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेने का प्रयत्न करें। जल्दी जल्दी श्वास चल रहा है तो उसको धीरे धीरे नियमित करने का प्रयत्न करें। ऐसा जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और जो लोग श्वास प्रश्वास को नियमित करने का अभ्यास कर लेते हैं, जब मन में आवेग आवेश आए, क्रोध आदि आए, उस समय भी अगर वो उसको रुद्ध कर लेते हैं, नियमित कर लेते हैं, तो तत्काल क्रोध शांत हो जाता है, अन्य अन्य प्रकार की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और ये श्वास प्रश्वास जब अत्यंत नियमित हो जाता है तो आप भी अनुभव कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि श्वास चल रही है कि नहीं। इतने धीरे श्वास चलती है कि मन एकदम शांत हो जाता है, और जो जो मन शांत होता है श्वास प्रश्वास एकदम सम गति से और धीरे धीरे चलने लगता है। और जिसका मन परम शांत होता है उसको कुंभक हो जाता है, श्वास प्रश्वास रुक जाता है। जीवन में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, श्वास प्रश्वास की गति जब रुद्ध होती है, बहुत एकदम संयत और बहुत धीरे धीरे चलती है, तो व्यक्ति मन की बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, जो समाधि से थोड़ी ही नीचे होती ध्यान की। उस अवस्था में जब वो संसार को भूल जाता है तब उस समय उसको एक परम शांति का अनुभव होता है। सुनने में बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से लौट के जाके अपने घर में बैठे आप, मैं कमरे में गया और एकदम मेरा श्वास और प्रश्वास शांत और मुझे उसकी अनुभूति। ऐसा नहीं, मेरे जीवन का परम सौभाग्य रहा है, करोड़ों जन्मों का पुण्य रहा है कि मैंने अपनी आँखों से, स्वचक्षु से ऐसे एक महापुरुष के दर्शन किए। हमारे संघ के 10वें अध्यक्ष थे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी गिरीश्वरानंद जी महाराज, हमारे युग के बहुत बड़े महापुरुष थे वो। उनके सन्निकट रहने का, उनकी कुछ सेवा करने का सुअवसर मुझे मिला। उनको गले का कैंसर हो गया था, उस समय लगभग 90 वर्ष की उनकी अवस्था थी। तो गले का कैंसर हो गया तो डॉक्टरों ने कहा महाराज ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे और तुम्हारी केमोथेरेपी नहीं लेंगे।
तो जो रेडियोथेरेपी होती है, कोबाल्ट रेज देते से सिकाई जो होती रेज से, वो उनकी चिकित्सा हुई और उससे वो ठीक हुआ। तो जिस समय ये चिकित्सा उनकी चल रही थी उस समय भी भक्तों का प्रणाम होता रहता था। वो 5 दिन चिकित्सा के लिए अस्पताल में रहते थे और 2 दिन बेलूर मठ में रहा करते थे। जब वो बेलूर मठ में रहते थे तो हजारों भक्त प्रणाम करने के लिए आते थे। तो हम और उनके दूसरे सेवक हम लोग खड़े रहते थे वहाँ लोगों को प्रणाम कराने के लिए। ऐसे महाराज दूर बैठे थे सामने बेंच, लोग प्रणाम करके जाते थे। तो डॉक्टरों ने कह रखा था कि 25 मिनट आधे घंटे प्रणाम होने के बाद 15-20 मिनट आप लोग प्रणाम बंद करें, महाराज विश्राम कर लें और फिर प्रणाम कराएं। एकाधिक बार, कई बार मैंने देखा, पहली बार का अनुभव आपको बताता हूँ। एक दूसरे और सन्यासी साथी हमारे, वो भी जीवित हैं अभी, हम दोनों ही थे। तो महाराज को भक्तों के प्रणाम हुए, 35 मिनट हो गए। तो हम लोगों ने कहा महाराज अभी 20 मिनट प्रणाम बंद रखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद एक वो लंबी कुर्सी में बैठा करते थे, ऐसे पैर ऐसे रख के महाराज बैठ गए। तो मैं उनके समझ लीजिए दाहिनी ओर खड़ा हूँ, दूसरे सेवक बाईं ओर, थोड़ी दूर हम लोग खड़े हैं। तो मुश्किल से 2-3 मिनट भी शायद न लगे हों और ऐसा लगा कि जैसे महाराज गहरी नींद में सो गए होंगे। वृद्ध शरीर, फिर ये रोग और वो सिकाई हो रही है, तो सो गए हैं। तो हम बिल्कुल निकट खड़े थे तो मैंने देखा कि दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि श्वास नहीं चल रही। तो थोड़े डर गए, जब पास से आकर देखा तो बहुत ही, श्वास चलने से छाती तो हिलती है, बहुत ही धीरे धीरे शनै शनै और एकदम सम मात्रा में उनका श्वास प्रश्वास लगभग रुका हुआ सा है। एकदम संसार के बाहर है वो, कोई उनको इधर का ध्यान नहीं। 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। उनके जो सेक्रेटरी थे, अभी भी हैं हमारे मठ के मैनेजर हैं, स्वामी प्रमेयानंद जी रामगोपाल महाराज, उन्होंने भीतर से हम लोग, अरे क्या बात है, प्रणाम शुरू करो, हजारों भक्त खड़े हैं। उनको पुकारा तो आए नहीं, तो फिर वो स्वयं आए। स्वयं आकर कुर्सी में हाथ रखकर उनके कान के पास उन्होंने 3-4 बार तेज आवाज़ में कहा कि महाराज मैं अमुक हूँ, मैं राम गोपाल महाराज बोल रहा हूँ भक्तों को। तो 3-4 बोलने के बाद जैसे अचानक नींद से उठते हैं उस प्रकार, हाँ अच्छा ठीक है, फिर वो अपने करने लगे। तो ये उनके सारे जीवन की साधना थी, माँ शारदा देवी के शिष्य थे। पर ये सत्य है कि श्वास प्रश्वास की गति को यदि संतुलित किया जाए, नियमित किया जाए, तो मन को साधने में उससे सहायता मिलती, बड़ी सहायता मिलती। इसीलिए जब हम जप आदि करने के लिए बैठें, ध्यान करने बैठें, या पढ़ाई आदि करने के लिए भी बैठें, तो पहले 2-4-5 मिनट बैठकर रिलैक्स होकर श्वास प्रश्वास को थोड़ा सा सम करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। यही इसका सारा ये है कि प्राणायाम परायणा प्राणापान गति रुद्ध्वा, अर्थात कुंभक करके, इस प्रकार प्राणायाम की चर्चा है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः। ये इसका, इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि देखो संयमित आहार करने वाले लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, और ये संयमित आहार करने वाले जो लोग हैं वो भी अपने प्राणों को प्राणों में आहुति दे रहे हैं, जिस प्राणायाम की थोड़ी सी चर्चा संकेत के रूप में आपके सामने कही गई। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः, ये सभी लोग यज्ञ को जानने वाले हैं और इनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो गए हैं, अर्थात इनका चित्त यज्ञ से शुद्ध हो गया है। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं
और गीता की चर्चा का एकमात्र प्रयोजन ये है कि हम जीवन में साधना करें और अपनी चेतना में परिवर्तन लाएं। इस श्लोक में ये सूत्र है, नियताहाराः, जो नियत आहार करते हैं, संयत भोजन करते हैं, संयत आहार करते हैं। यहाँ साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बात है आहार की। भगवान आदि शंकराचार्य ने आहार की व्याख्या करते हुए कहा, आह्रियते इति आहारः, जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वो सब आहार है। केवल भोजन करना, मिठाई खाना, रोटी खाना, रबड़ी मलाई, आइसक्रीम खाना, यही आहार है ऐसा नहीं, ये भी आहार है, स्थूल आहार है। वस्तुतः ये आहार उतना हानिकारक नहीं है। यदि किसी कारण लोभवश आपने अपने घर हम लोगों को भिक्षा के लिए बुलाया, बहुत हमारे मन का पकवान बना, अच्छी चीज़ें आप निकले, हमने लोभ से अधिक खा लिया, अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हो गया तो एक दो दिन उपवास करके दवा खा के ठीक हो गया। रेचन की प्रक्रिया है, डॉक्टर ने दवा दे दी तो जुलाब दे दिया या उल्टी की दवा दे दी, ठीक हो गया। ये आहार तो किसी तरह संयत भी हो जाता है। आहार का इतना क्षुद्र अर्थ नहीं है। साधक साधिका के जीवन में आहार का ये स्थूल अर्थ नहीं है। आहार का तात्पर्य है अपनी सभी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ हम भीतर लेते हैं, संसार के बाहर से जो भी चीज़ हमारे भीतर जाती वो सब आहार है। आह्रियते, हम आँख से देख रहे हैं, अब कान से ये क्या बैंड बाजा बज रहा है वो सुन, ये आहार है, आँख से देखना आहार है, मुंह से भोजन करना तो आहार है ही है, हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ये आहार है, सूंघते हैं, ये आहार है। तो पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण करते हैं वो सब आहार है, किंतु आहार का स्थूल अर्थ लेने के कारण हम ये सोचते हैं कि भोजन करना ही आहार है, और यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो भाई सात्विक भोजन क्या, अच्छा तुम निरामिष भोजन करो, मांस मछली मत खाओ, और तुम वो घी और मूंग दाल और हविष्यान्न खाओ, उससे तुमको भगवान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं, हम सात्विक तथा कथित निरामिष आहार करते हैं, चावल मूंग की दाल और घी का हविष्यान्न शुद्ध लेते हैं, बहुत शुद्ध आहार करते हैं, उसकी घोषणा भी करते हैं, रास्ते से निकलते हैं। जितने दुनिया भर के पोस्टर यहाँ लगे हैं रास्ते में, सभी पोस्टरों को पढ़ते हैं, जो लोग चित्र देखते हैं सिनेमाघरों में, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, आप प्रयोग करके देख लीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एकदम सात्विक आहार, भगवान को भोग दिया हुआ मूंग की दाल की खिचड़ी और थोड़ा सा घी, जो आपको सात्विक, वो सात्विक आहार आप कीजिए, और बैठ के सिनेमाघर में या टीवी में वो सीरियल देखिए जिसमें मारपीट और अश्लील बातें हों, जिसमें क्राइम और सेक्स हो, ये आहार 3 घंटे आप देखते रहिए और सोइए, आपके मन में शांति रहेगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की उन्नत विचार आएंगे। आँखों से लिया हुआ आहार इतना खतरनाक होता है कि अधिक भोजन किया हुआ व्यक्ति 2-3-4 दिन में ठीक हो सकता है, किंतु आँखों से अनुचित आहार यदि लिया गया हो तो हो सकता है कि जीवन भर साथ रह जाए, 10 वर्ष तक आप उससे पिंड न छुड़ा सकें, आप में मैं भी शामिल हूँ, हम सब उससे पिंड न छुड़ा सकें। इस आहार से सावधान रहना चाहिए। कितने लोग इसकी सावधानी रखते हैं, कितने घरों में आते हैं लोग, बच्चे या उनके माता पिता आते हैं, या हमको शिकायत करते हैं, महाराज बत्ता कहना नहीं मानता है, उद्दंड हो गया है, या बहुत तरह की शिकायत करते हैं। उसका कारण टीवी में वो सारी चीज़ें देखता है या सिनेमा में देखता है, आँखों के द्वारा ऐसा आहार ग्रहण करता है कि जो एकदम निषिद्ध है, वर्ज्य है, और उधर एकदम सात्विक आहार। हमारे घर लहसुन प्याज भी नहीं आता है महाराज, बहुत अच्छी बात है, लहसुन प्याज तो नहीं आता होगा, पर लहसुन प्याज न खाने वाले हम साधक और साधिकाएँ दूसरा आहार कैसा आहार करते हैं। हम अपनी वृत्ति से लोभ ग्रहण करते हैं,
गरीब आदमी के घर परिवार उसके जेवर उसके बर्तन गिरवी रख के 200 रुपया उसने हमसे किराया लिया, जन्म भर 200 रुपये उससे वापस नहीं लेते, हर महीने 50 रुपये ब्याज लेते रहते हैं, और मूंग दाल की खिचड़ी सात्विक आहार, ऐसा चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आहार के संबंध में ये सावधानी रखनी आवश्यक। कान से हम सुनते हैं कैसे विभिन्न प्रकार के अश्लील उत्तेजक गीत और इधर उधर की बातें, संसार की बातें, ऐसा सब जब होता रहता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है, ये हमको अपने जीवन में देखने को मिलता है। ये यद्यपि थोड़ी सी धृष्टता है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप अधिकांश यहाँ गृहस्थ हैं, आपके जीवन में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण ये आँखों से लिया गया आहार और कानों से लिया गया आहार है। जो चलचित्र आप देखते हैं, जिस प्रकार टीवी की सीरियल आप देखते हैं, वो काल्पनिक है, कैसे जनप्रिय हो सके इसलिए उन तथा कथित कलाकारों ने सोच विचार कर वो बात बनाई है और दिखाई जाती है आपको, जगत की वास्तविकता नहीं है। तो जो टीवी में आने वाले सीरियल, सिनेमा हॉलों में देखने वाले जो चित्र और गृह परिवार आदि हैं, उसकी अपेक्षा आप अपने घर में करते हैं, अपने गृह पति पत्नी से उस प्रकार अपेक्षा करती है करता है, और पत्नी पति से वैसी अपेक्षा रखती है जिस प्रकार चित्रों आदि में देखा, ये संभव नहीं है, और इसलिए दाम्पत्य जीवन भी विषाक्त हो जाता है। ये सदाहार ग्रहण करने के लिए आँखों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और उसका प्रशिक्षण सबसे अच्छा ये है कि हम इससे बचें। इस प्रकार के अनुचित आहारों से, आँखों के द्वारा कान के द्वारा मिलने वाले आहार जो हमको क्षुब्ध करते हैं, आप उसकी परीक्षा करके देख लें, मापदंड अपने पास हम रखें कि ये जो आहार मैंने ग्रहण किया या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरा मन विक्षुब्ध होगा या शांत होगा। टीवी में, सिनेमा में या दूसरे, आजकल वो क्या वेबसाइट आइट कुछ निकली है ऐसा मित्रों ने मुझे बताया, कंप्यूटर में कुछ दिखता है क्या है, तो ऐसी सब चीज़ें उसको देखकर आपके मन में शांति हो रही है, उसको देखकर आपका मन उच्च विचारों में डूब रहा है, यदि डूब रहा हो तो आप जरूर, अगर न डूब रहा हो, शांति से आपने प्रवचन सुना, आपने सद्ग्रंथ का अध्ययन किया, और सद्ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद तुरंत जाकर वेबसाइट में ऐसे दृश्य देश विदेश के आपने देखे, ऐसी घटनाएं देखी जिससे मन बहुत विचलित हो गया, तो क्या लाभ हुआ इस साधना का? और ये सदैव होता है। कैसे होता है? मेरे एक मित्र बता रहे थे, उनकी एक वृद्धा चाची हैं, वो 40 बार 45 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं शायद दिन में, फिर वो उनके रामायण में से सुंदरकांड का पाठ करती हैं, सब जगह सत्संग करने के लिए जाती हैं, और इतना सब अब कोई रह नहीं गया है, विधवा हो गई हैं, 60-65 वर्ष की हो गई हैं, सारा पाठ पूजा ये सत्संग वो सत्संग, और आके एक बात का हिसाब रखती है, अच्छा मेरा कितना पैसा बचा है, तुम्हारे चाचा का पार्टनरशिप था उसमें से मेरा अभी कितना बाकी, अरे भाई तुम तो इस परिवार में रहती हो, तुम्हारी सारी व्यवस्था हो रही, ये नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा पुख्ता प्रबंध हो जाना चाहिए, चाची ये सब तो है, इसके अलावा मेरा सब क्या लाभ हुआ आपके पढ़ने का? तो वो वही आहार दिन रात ग्रहण कर रही, जहाँ कान से, अरे तेरा क्या हुआ, तेरा फलाना का क्या हुआ, तेरे पिताजी ऐसे थे, तेरे पिता ऐसे थे, दिन रात यही आहार ग्रहण कर रहे हैं, कैसे अधिक से अधिक पैसा मेरे पास आ जाए, मेरा जो है 15 लाख वो किसी को मैं न बताऊं, और जो इनसे ले सकूं वो ले लूं। क्या लाभ हुआ उस 50 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का कि 108 बार सुंदरकांड के पाठ करने का? वो आहार हमने ग्रहण नहीं किया, हम यंत्र दरवाजे बंद हैं, ऐसा कैमरा जिसमें फिल्म नहीं है, 50 बार आप क्लिक कर रहे हैं पर फोटो एक नहीं आई, तो ऐसा कैमरा हमने लगा रखा है, इसलिए इस आहार की ओर सावधानी रखना चाहिए। तो नियत आहाराह ऐसा आहार ग्रहण करें जो हमारे मन को नियत करे, अंतर को शांत करे, उच्च विचार दे, सभी इंद्रियों से आँख से सुंदर दृश्य देखें, कान से भगवान का नाम भजन या उच्च विचार देने वाले विचारों को सुने, जिह्वा से उस प्रकार की चर्चा करें,
और जिह्वा के दो काम हैं, भोजन और चर्चा वाणी, उस प्रकार चर्चा करें। ऐसा सुपाच्य संयत भोजन जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, मन को ठीक करे, ऐसा भोजन करें। तो सभी प्रकार अपने आहार को संयत करने का प्रयत्न। और मैं नम्रता से आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि थोड़ा भी प्रयत्न 6 महीने साल भर हम लोग जो कर सकेंगे, निश्चित रूप से आपको हमको अपने मन में परिवर्तन दिखेगा। नियत आहार का लाभ, सभी केवल भोजन नहीं, ये सारे आहारों की सावधानी रखेंगे तो आप देखेंगे जब आप चुपचाप बैठते हैं तो गुरु और ईश्वर की कृपा से आपका मन शांत होता है, उतनी विक्षिप्तता नहीं रहती है, उतने उद्दाम आवेग जो एक मिनट आंख बंद करते ही आपको विचलित कर देते थे वो कम हो जाएंगे। इसलिए सांसारी जीवन में भी सुखी रहने के लिए, संसार का सुख भोगने के लिए भी नियत आहार होना परम आवश्यक है, संयत आहार सभी दृष्टि से। और इसके लिए संयत आहारियों का संग बहुत बड़ा लाभ है, जिससे मिलकर हम इस प्रकार की प्रेरणा पा सकें जो नियत आहार हैं। और उसमें भोजन आदि के संबंध में थोड़ी बहुत दृष्टि रखिए, बहुत अधिक उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भोजन ही हमारा भगवान नहीं है, कि हमारी सारी साधना इसी बात में है कि हम क्या खाएं न खाएं, एक कली लहसुन की खा ली तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें संयत आहार होने का प्रयत्न करें तो ये लाभ होगा। अब ऐसे जो लोग हैं, सर्वे अपि एते यज्ञ विदः, ये सभी जो भगवान ने विभिन्न 13-14 प्रकार के जो योग बताए, जिस यज्ञ बताए, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, ये सभी यज्ञ विदः, यज्ञ को जानने वाले हैं। जो पिछले दिनों भी जिन यज्ञों की चर्चा हुई थी, हम जप यज्ञ करें तो, द्रव्य यज्ञ करें तो, योग यज्ञ करें तो, स्वाध्याय यज्ञ करें तो, विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ भगवान ने बताए हैं, उन यज्ञों का यदि हम जीवन में आचरण करेंगे तो यज्ञविद, विद माने जाने, विद धातु माने जानने वाला, जानना, तो यज्ञविद यज्ञ को जानता है। कौन व्यक्ति जानता है? जो उसको जीवन में आचरण में लाता है। मैं यदि कहूँ कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ तो उसका प्रमाण क्या है? जब साइकिल आए मैं उसको चला सकूँ, तभी तो मैं साइकिल विदह होऊंगा, साइकिल चलाने की क्रिया का मुझको ज्ञान है। या केवल मैंने किताब में पढ़ लिया कि भाई इस प्रकार बैलेंस करो, एक पैडल में पैर रखो फिर दूसरे को घुमाओ, ऐसे तो नहीं होगा। तो यज्ञ विदह का तात्पर्य है जिस व्यक्ति ने यज्ञ के सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में उसका आचरण किया है या आचरण का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे सभी लोग ये यज्ञविद हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये लोगों ने यज्ञ के द्वारा अपने चित्त के मल को दूर कर दिया है, अपने हृदय की अशुद्धता को मिटा दिया है। अब ये बात कोई दूसरा मुझे बता नहीं सकता मैंने जीवन में यज्ञ का आचरण किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो उसका परिणाम मुझे क्या हुआ है, क्योंकि यज्ञ स्थूल बहुत थोड़ा है। आहुति आदि जो हम देते हैं वो तो ठीक है, यज्ञ का एक स्वरूप है, हम लोग करते हैं, आश्रम में भी करते हैं, आपके घरों में भी आप लोग करते हैं। अभी दुर्गा पूजा होगी अष्टमी के दिन, अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को शायद है, तो उस दिन बहुत अच्छा हवन होता है आश्रम में। तो ये तो यज्ञ का स्थूल रूप है, किंतु यज्ञ की भावना मेरे हृदय के भीतर है। यज्ञ की भावना से क्षपित कल्मषः मैं हुआ हूँ क्या? इस यज्ञ भाव के पोषण से मेरा हृदय तुलनात्मक दृष्टि से कुछ पवित्र हुआ है क्या? आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, जब से मैंने ये इस प्रकार की वृत्ति प्रारंभ की, आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ किया और जीवन के प्रत्येक कार्य को यज्ञ बनाने का प्रयत्न किया, तब से मेरे मन में कुछ शुद्धि आई है, इसका ज्ञान मुझे ही हो सकता है, दूसरा कोई मुझे नहीं बता सकता। तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये देखना पड़ेगा कि कपड़े जैसे हम धोते हैं, देखते हैं साफ हो, कुछ दाग लगा है तो हम साबुन लगा के रगड़ के देखते हैं कि हाँ निकल गया कि नहीं। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि कपड़े साफ हुए कि नहीं, अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने हृदय को देखना पड़ेगा
कि वो साफ हो रहा है कि नहीं, शुद्ध हो रहा है कि नहीं। शुद्ध हो रहा है तो हम यज्ञमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यदि जैसा आपसे निवेदन किया कि वो 108 बार सुंदरकांड का पाठ तो कर रहे हैं, पर चित्त में यही बात है कि भतीजे से और देवर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति ले लें, कैसे हमारा सारा सब उपाय हो जाए सब हमको, तो ये तो यज्ञ नहीं हुआ, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इस ओर हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। आगामी रविवार मैं आपकी सेवा में रहूँगा, आगे फिर चर्चा होगी 31वें आदि उसमें, जिसमें भी वह इसका समापन है 31वां श्लोक, यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातन। श्लोक बहुत ही अच्छे और बहुत उपकारी हैं साधना की दृष्टि से। इसका विचार अगले रविवार से प्रारंभ करेंगे, आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु।